हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कोर हाई आई एम अर्शदा अग्रवाल एंड इन अ करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज टूडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट द कंटेजियस स्किन डिजीज व्हिच हैज़ रिसेंटली हिट द डेजर्ट फॉक्स इन राजस्थान तो राजस्थान में जो डेजर्ट फॉक्सेज हैं उनको एक काफी कंटेजियस जो एक से दूसरे में फैल जाती है ऐसी बीमारी हो गई है तो so, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी एसएससी, ईपीएफओ, पी और कई अदर एग्जामिनेशन में काम आ सकता है तो पहले देखते हैं न्यूज क्या है कंटेजियस स्किन डिजीज हिट्स डेजर्ट फॉक्सिस इन राजस्थान इकोलॉजिस्ट रेस अलार्म तो इकोलॉजिस्ट ने बोला है कि बताया है कि कंटेज स्किन डिजीज वो डेजर्ट फॉक्सिस को हो गई है ठीक है और इकोलॉजिस्ट ने उसके लिए अलार्म रेस कर दिया कि अवेयरनेस रहनी चाहिए ठीक है

तो थर्सडे को मतलब आज ही के दिन उनको छह जानवर मिले जिसमें ये डिजीज था ये किससे होता है माइट के काटने से इन्फेस्टेशन से कि वो फैल जाता है तो कहा हुआ है यह डेजर्ट नेशनल पार्क जहां पर मिला है कहां पर है ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में ये हम देख सकते हैं कि अभी ये टेम्प्ररी टेम्परली बंद हो चुका है ठीक है ये रहा राजस्थान का मैप दिस इज जैसलमेर ये जैसलमेर और बाड़मेर के पास है डेजर्ट नेशनल पार्क नो जो मंगे है इट इज अ जेनेरिक टर्म इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्किन कंडीशन कॉज बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ माइट्स एंड एनिमल्स तो एक तरह की स्किन कंडीशन एक बीमारी जिसमें क्या होता है एनिमल्स में क्या होता है उनके बाल चले जाते हैं एकदम स्किन सूखी हो जाती है जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कि किस तरह के हो गए हैं वो उनके बाल भी चले गए उनको खुजली बहुत होती है उस तरह से होता है

आठ लेग के पैरासाइट होते हैं जो एनिमल्स में रह सकते हैं इन एनिमल्स में रह सकते हैं जैसे डॉग्स कैट्स और ह्यूम्स में भी रह सकते हैं स्किन के अंदर डिग करेंगे बरो करेंगे या हेयर फॉलिकल्स में रहेंगे और एग दे देंगे जैसे जू पता है ना जो बालों में हो जाती है उसी तरह का कुछ आप समझ सकते हैं पर ये डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है ऐसा नहीं कि फैल जाती एक महामारी की तरह नहीं फैल जाएगी जैसे हाल ही अभी कोविड नाइन्टीन फैला हुआ है वैसा नहीं होगा तो सो दे इज हार्डली एनी चांस ऑफ रैपिड मास स्प्रेड इन दाइल्ड लाइफ पॉपुलशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेप ऑफ एन एपिडेमिकॉक्स्यूशन एपिडेमिक नहीं बनेगा Now, तो क्या न्यूज है आप आगे देखते हैं अर्लियर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्चर्स वर्किंग इन द एरिया रिकॉर्डेड विद वाइल्ड मैंगे डिजीज सिमटम इन सुदर्श्री ए इनक्लोजर तीन और फॉक्सिस मिले सेम के साथ जो सेंचुरी के बाहर मिले उसके एरिया के आसपास मिले तो मतलब ये है वहां पे फैला हुआ है ठीक है पहले भी हो चुका है ऐसा नहीं है पहली बार है ये 2006 में भी हुआ था जब पहली बार रिपोर्ट किया गया था और उसके बाद एवरी हर साल अकरेंस इसकी बढ़ती गई है तो पहली बार जब हुआ दो में होता और हर साल उसके बाद बढ़ता चला गया ठीक है तो अभी क्या बोला डॉक्टर सुमित डुकिया हैं जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला इन लास्ट वन ईयर वी हैव ऑब्जर्व अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट विद इनशन फाइव टू एट परसेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शन विदाउट हेयर ऑन बॉडी इन विच स्टेज द एनिमल इट्स इट्साइट फॉर हंटिंग एंड इज ऑलवेज स्क्रैचिंग बॉडी बिफोर फाइनली डाइंग ड्यू टू मैगट इन्फेक्शन डीप स्क्रेच तो क्या होता है कि उन्होंने बोला कि एक आप पिछले एक साल में देखा गया कि तीस से पैतीस परसेंट जो डेजर्ट फॉक्सेज है उसमें ये इन्फेक्शन था और पांच से आठ परसेंट में तीस से पैतीस के में पांच से आठ परसेंट को सीवियर था कि उनको भूख मर गई हंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वीक हो गए खुजली हो रही पूरी बॉडी में खुजला लिया तो वहां पे मैगिट्स ने खा लिया ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंसेस ऑफ टू कुछ हजार फॉक्सेस हैं जैसलमेर में एंड डॉक्टर डूकिया कहते हैं, कि, in 30 this, this कि हजार हैं तो समझ लो तीन सौ तो इन्फेक्शन है और अगर तीन सौ तो इसका, इस पे ध्यान देने वाला है तो मेजर एरियाज इन्फेक्शन के वो डुकिया के हिसाब से कौन से सनवा निदान सनावदा लथी भदारिया उधानिया धोलिया और ऐसे कई सारे एरियाज हैं जो डेजर्ट नेशनल पार्क के आसपास है वहां पे इन्फेक्शन है हो सकता है ठीक है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट श्रेया घुआ द एनिमल हजबी डिपार्टमेंट इज डीलिंग विद आउटब्रेक इन डोमेस्टिक कैमल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑन अलर्ट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलर्ट पे और जो एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट है आउटब्रेक को से डील कर रही है इन्वायरमेंटलो फियर मैंगे कैन भी ट्रांसफर टू डोमेस्टिक एनिमल लाइक अ डॉग एंडस वर्सा अब ये प्रॉब्लम है कि ये डॉग्स में ट्रांसफर हो सकता है, या से वापस में आ सकता है में. तो सैक्रोपे सॉरी स्कैरकोप्ट मैंगे कंटेजियस टू डोमेस्टिक डॉग्स बट मोस्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो मोस्टली अगर एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ही ये फैलेगा ट्रीटेबल है टॉपिकल ओरल मेडिकेशन के साथ इट कुशंस इन ह्यूमन्स ह्यूमन्स में भी काफी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन लेस इंटेंस है एंड कंसिस्टिंग ऑफ माइल्ड फॉर्म ऑफ डर्माटाइट की कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है माइल्ड फॉर्म उसका हो सकता है ठीक है अब पढ़ते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में कहां पर है राजस्थान में वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान किधर नियर द टाउन्स ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स है एरिया कवर करता है 3,162 स्क्वायर किलोमीटर देखते हैं ये राजस्थान ये है डेजर्ट नेशनल पार्क इसकी लोकेशन ठीक है नो इट इज़ एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द थार डेजर्ट और सैंड ड्यून्स इसमें अराउंड 20 परसेंट ऑफ द पार्क में है सैंड ड्यून्स होता है जो इस तरह के होते हैं सैंड बने देखते हैं तो वो ट्वेंटी ऑफ द पार्क में है